नमस्ते, आज हम बनाएंगे मीठी और चटपटी मसाला आंवला कैंडी। आंवले का सीजन चालू हो गया है। आंवला सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसे सुपर फ्रूट भी कहते हैं। तो चलिए सेहत और स्वाद से भरपूर पौष्टिक आंवला कैंडी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आंवला कैंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो फ्रेश आंवला लिए हैं। आंवला को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब आंवला को हम स्टीम करेंगे। उसके पहले अगर आंवला खराब हो तो उसका वो पार्ट हम निकाल लेंगे। ऐसे सारे आंवले हम साफ कर लेंगे। अब आंवला को हम स्टीम करेंगे। कढ़ाई में स्टीमर रख के उस पे सारे आंवले रख देंगे और 15 मिनट हाई फ्लेम पे हम इसे स्टीम करेंगे। मिनट हो चुके हैं, अब हम आंवले चेक करेंगे। नाइफ अच्छे से अंदर जा रहा है, आंवला सॉफ्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ढककर हम ठंडा होने देंगे। आंवला ठंडे हो गए हैं, अब आंवले को दोनों साइड से प्रेस करेंगे और उसका बीज निकाल देंगे। इसी तरह सारे आंवलों के बीज हम निकाल देंगे। अब हम इसे काट लेंगे। इसे आप छोटे या बड़े पीसेस में काट सकते हो। सूखने के बाद ये श्रिंक हो जाते हैं। मैं यहाँ पर इन्हें मीडियम साइज के काट रही हूँ। आंवला पौष्टिक होते हैं, इसे ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए हम शक्कर के बदले गुड़ का उपयोग करेंगे। एक बाउल भर के आंवला है, उसी माप का बाउल भर के हम गोड़ लेंगे। अब इसे हम ग्लास बॉटल में भरेंगे। पहले एक लेयर गुड़ का करेंगे, उसके ऊपर आंवला का लेयर रखेंगे, वापस गुड़ का लेयर करेंगे। ऐसे करके सारे आंवले बॉटल में भर देंगे। आंवला को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ऑरेंज से भी 8 गुना विटामिन सी होता है। आंवला इम्यूनिटी बूस्टर है, पेट की कई समस्याओं को दूर करता है, फैट बर्न करता है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है। डेली डाइट में आंवले को इंक्लूड करके हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। हमने सारे आंवले और सारे गुड़ को बॉटल में भर दिया है। अब इसे अच्छे से प्रेस करके ढक के 3 दिनों के लिए बॉटल को रख देंगे। दिन में 3 या 4 बार हम इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे। 6 घंटे हुए हैं, हम आंवला चेक करेंगे। गुड़ पिघल गया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये प्रोसेस हम दिन में 3 से 4 बार करना है, इसे स्किप ना करें। इसी तरह आंवला को 3 दिन तक रखेंगे। तीन दिन हो चुके हैं, आंवलों ने अच्छे से जूस एब्जॉर्ब कर लिया है, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके जूस अलग कर देंगे। जूस को हमें फेंकना नहीं है। ये हमारा आंवला गुड़ का खट्टा मीठा जूस आप कांच की बोतल में भर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। पानी में मिला के शरबत की तरह यूज कर सकते हो। आंवले को स्ट्रेनर में हम 30 मिनट तक रखेंगे। आधा घंटा हो गया है, अब आंवलों को एक थाली में सिंगल लेयर में हम फैला लेंगे। इसे हम धूप में 2 से 3 दिन तक सुखाएंगे। मसाला आंवला कैंडी बनाने के लिए मसाला बनाएंगे। पैन गरम किया है, आधा टीस्पून जीरा डालेंगे, आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और चुटकी हींग डालेंगे। मसालों को 30 से 40 सेकंड तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। मसालों की अच्छी खुशबू आने लगी है, अभी गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा करेंगे।
भुने हुए मसालों को मिक्सी के छोटे जार में ले लेंगे। एक टीस्पून ब्लैक सॉल्ट सेंचल ऐड करेंगे और इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाला ग्राइंड हो चुका है, इसे हम एक बाउल में ले लेंगे। आंवला सूख गए हैं, मुझे 3 दिन लगे हैं। आंवला 2 से 3 दिन में सूख जाते हैं, डिपेंड करता है आपके घर में कितनी धूप आती है। ये देखिए, ऊपर से ड्राई हो चुके हैं, अंदर से सॉफ्ट है। अगर आप इन्हें कड़क सुपारी की तरह खाना पसंद करते हैं तो इन्हें आप धूप में ज़्यादा सुखा लें। अब हम 2 तरह की आंवला कैंडी बनाएंगे, एक मीठी और दूसरी चटपटी मसाला आंवला कैंडी। आंवलों को हम 2 बाउल में डिवाइड कर लेंगे। मीठी कैंडी बनाने के लिए हम बाउल में पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला कैंडी बनाने के लिए पीसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। मीठी और चटपटी मसाला आंवला कैंडी तैयार है। इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरह रख दीजिए, जिससे सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाए। बाद में इन्हें ग्लास की बोतल में स्टोर कर लीजिए। इन्हें आप 5 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हो। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।